अस्सलाम वालेकुम, किचन विद्रियाना में आपका इस्तकबाल है। आइए आज हम आपको आलू और पोहा के मीठे स्वीट रोल बनाना बताते हैं। स्वीट बॉल मतलब, यानी कि जो बच्चों को बहुत पसंद होते हैं और बनाने में बहुत इजी होते हैं। ये देखिए, हमने पोहा धो के भिगा दिया था और इसको हमने अच्छे से सुखा लिया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं आधा टी स्पून से कम अजवाइन, आधा टी स्पून से कम यानी कि चुटकी भर से ज़्यादा कुटी हुई लाल मिर्च, और आधा टीस्पून डाली हमने सौंफ, आधा टीस्पून डाली हमने खटाई, और इसमें दो टेबल स्पून करीब डाल रहे हैं हम अपना पिसी हुई शक्कर। आप चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं इसमें घिस के। और इसमें ज़रा सा डालेंगे हम चुटकी भर नमक, ये देखें। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल, यानी कि ऑयल डालें, घी डालें या बटर डालें, जो भी आपको पसंद हो, आपके बच्चों को पसंद हो, आप इसमें वो डाल सकते हैं, ये देखें। अब इसको डालने के बाद, और ये हमने चार पांच आलू लिए थे जिनको हमने उबालने के बाद घिस लिया था, और इनको आप चाहें तो तोड़ भी सकते हैं, और इनको सबको अच्छे से खूब आपस में मिक्स कर लेंगे, और इसका एक जैसे आटा तैयार करते हैं डो, उस तरह से आप इसको तैयार कर लेंगे। इस तरह से ये बॉल आप बच्चों को बनाकर खिलाएं, बच्चों को बहुत पसंद आता है। बच्चों के लिए आलू बहुत अच्छी चीज़ होती है। ये देखें, ये हमने डो तैयार कर लिया है, और इसको अब हम पानी का या तेल का हाथ लगा के हम इसके छोटे छोटे बॉल तैयार कर लेंगे। ये देखें, जो भी साइज़ आपको पसंद हो, या इसके कटलेट बनाएं या इसके रोल बनाएं, जो जैसे जिस तरह से आपको पसंद हो या आपके बच्चों को पसंद हो, आप बना सकते हैं। इनको सबको हम बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखें, अब हमने सभी को बनाकर के तैयार कर लिया है एक प्लेट में, और अब हम अपना ऑयल गरम करने के लिए रख देंगे। ये देखें, और एक हम लेंगे बाउल में सूखा मैदा ले लें, या आप कॉर्नफ्लोर ले लें, या ब्रेड क्रम्ब ले लें, जो आप पसंद करें वो ले लें, सिर्फ इसलिए कि ये ऊपर से कुरकुरे और अंदर से सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए, इस तरह से आप इनको डस्ट करने के बाद हल्के मीडियम ऑयल में आप इनको डालें, तेज़ तेल में या घी में इनको ना डालें, वरना ये एकदम से जल जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे, सिक नहीं पाएंगे। और इनको चलाते हुए आप इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए। इस तरह से आप इनको बनाकर बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकती हैं, शाम के नाश्ते में भी दे सकती हैं, जैसे बच्चे आपको खाना चाहें वैसे दें। आइए अब हम इनको निकाल लेते हैं, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल किचन विद रिहाना को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। शब्बा खैर।